राहुल गांधी को लेकर सामने आई बहुत बड़ी खबर। राहुल के पीए ने कर दिया बड़ा खुलासा। जून महीने में वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। तब कहा गया था कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने वो तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। उस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने उस मामले में कांग्रेस के ही 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो उसमें राहुल गांधी का पीए भी बताया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 24 जून को कुछ लोगों ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला कर दिया था। असल में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि संरक्षित वनों, वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास का 1 किलोमीटर वाला पूरा इलाका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ रहने वाला है। लेकिन केरल में विवाद इस बात को लेकर रहा कि अगर ये नियम वहाँ सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा, वो कहाँ पर जाएंगे। कहा गया कि इसी बात को लेकर SFI के कार्यकर्ताओं ने वो तोड़फोड़ की थी, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों को पुलिस ने ही खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक असल में ये तोड़फोड़ SFI के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी। इसी वजह से शुक्रवार को पुलिस ने 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसमें राहुल गांधी का पीए भी शामिल रहा। अभी तक कांग्रेस या फिर राहुल गांधी ने कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा राज्य की सियासत में बड़ा विवाद बन सकता है। वैसे राहुल गांधी के दफ्तर पर जब हमला हुआ था तब उसका एक वीडियो काफी वायरल रहा। उस वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी ऑफिस की खिड़की की तरफ से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। उनकी तरफ से ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ भी की गई, जिस वजह से महात्मा गांधी का फोटो फ्रेम भी टूट गया। अब कांग्रेस ने SFI पर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने पूरे विवाद को अलग ही मोड़ दे दिया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।